विदुषक रामकृष्ण। कल दरबार में मिलते हैं, उपस्थित रहना। महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की। विश्वास नहीं होता रामा कि हम बच गए। अभी तक तो प्राणों के भय से कोस रहा था तुझे, परंतु सच कहूँ आज पहली बार मुझे तेरी चोटी होने पर गर्व हो रहा है। रहने दे, तेरे मुंह से मेरी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, कोसता हुआ अच्छा लगता है तू मुझे। ये कह रही है? हाँ, यह केवल हमारा था, बाकी सब यही कह रही है। ऐसे घर में तो हाथ से उम्र भर रह सकते हैं। तुम कह रही हो? नहीं, ये सब यही कह रही है। हमें तो कुछ और ही कहना है। क्या कहना चाहती हो? उठा लो, उठा लो, अरे हमें कोई सपने से उठा लो। निकालामा, कितने तेरी कदर लेगी? बंदा तू तामता है, इसलिए तो केवल मैं ही कहता था कि एक ना एक दिन तू कुछ करके दिखाएगा। तूने कब कहा था? तूने सुना नहीं, मैंने तो मन में कहा था। ये लो, देखो देखो। रामा, ये सब सच तो है ना? ये सब सच है शारदा। तुम आगे आगे देखो, तुम्हारा रामा क्या क्या करके दिखाता है। क्या हो गया इन्हें? खबरदार, जो कुछ उल्टा सीधा किया तू, अब यहाँ से भी निकलवाएगा क्या? एक जगह जगह तो टिक कर रहने दे, कम से कम यहाँ तो चैन से रहने दे हमें। ऐसा अम्मा कह रही है। मैं यहाँ केवल विदूषक बनने नहीं आया हूँ। तो फिर क्या चोर डाकू के साथ कार्यक्रम में उत्सव मनाने आए हो? ये किसने कहा? इन्होंने इन्होंने तो कोई संकेत दिया ही नहीं। हाँ, ये बस कहने ही वाली थी, वो बस हमने थोड़ा पहले कह दिया है ना अम्मा। हाँ, देखा। अब कुछ और कह रही है। क्या कह रही है? कोई आवश्यकता नहीं है किसी से उलझने की। खबरदार, जो किसी से खतरा मोल लिया तो चुपचाप आराम से इस घर में बैठो बस। सही है, सही है। चला बहुत टाइम पल है, मदद कर। तू जाके मदद कर, मैं चला सोने। कितने दिन हो गए, मैंने अच्छे से नींद भी पूरी नहीं की है। रुक जा अलसी, काम चल है, अम्मा और शारदा की मदद कर। अरे चल जा, जाकर तू मदद कर। और देख तो सही, नए घर की खुशी में दोनों कैसे महाबली बनी हुई है। आज इन्हें किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं है। और कैसा मित्र है तू? तेरा मित्र मरते मरते बचा है, तू थोड़ी देर उसे विश्राम करने नहीं दे सकता? और फिर तू है ना इस घर का दूसरा पुलुष, क्यों? तू मदद कर, मैं चला। ये भी तय है, मेरी तो इस घर का दूसरा पुलुष है ना। ओ
भी हो या तूफान, जहाँ भी होंगे, जिस स्थिति में भी होंगे, न बैठेंगे, न लेटेंगे, न सोएंगे और बस खड़े ही रहेंगे। अच्छा गुरुजी चलते हैं, आज्ञा दीजिए। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, ताकि खाली हाथ ना लौटे हम। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? भिक्षा मांगने। और अब चार अभी क्या बचा है गुरुजी? घर घर जाएंगे, द्वार खटखटाएंगे, हर चौखट पर माथा फोड़ेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, ऊपर वाले के नाम पे भीख मांगेंगे। जो कुछ है दे दो, हमारे गुरुजी को बहुत भूख लगी है, लुट गए हमारे गुरुजी। क्षमा गुरुजी क्षमा, बस हमसे आपकी एक दुर्दशा नहीं देखी गई, इसीलिए दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। जो आगे गुरुजी, हमने भी तेरे किए का एक एक क्षण वापिस ना किया तो हमारा नाम तथा चार्य नहीं, प्रतीक्षा कर, प्रतीक्षा कर, बहुत जल्द तथा चार्य के प्रतिशोध की ज्वाला तेरा समूल नाश कर देगी, सर्वनाश कर दूंगा मैं तेरा रामावृत, सर्वनाश। की पहली रात आई, घटा शर्माई छटा लज्जाई, मिलन की पहली रात आई। उठा लो हमारा घूंघट तुम उठा लो, कि ये रूप तुम्हारा स्वरूप तुम्हारा प्रतीक्षा रंग ले आई। आई रे आई मिलन की पहली रात आई। गुंडप्पे क्या कर रहे तू? ये ले लालटेन और वहां टंगा दे, अम्मा ने तय। चल जा अम्मा के चमचे। ए जल्दी चल टंगा। Thank you.
छोड़िए ना, छोड़िए ना, छोड़ दिया। हाँ क्यों? तुमने तो कहा छोड़िए ना, छोड़िए ना। आप ही ना। अरे क्या योजना है प्रभु, क्या करना है उस पंडित का? सबसे पहले तो उस धूर्त पंडित के भाग्य को तोड़ मरोड़ कर प्रचंड दुर्भाग्य में बदलना है। उस दुष्ट पंडित ने अपनी कपटी बुद्धि से महाराज के हृदय दरबार में अपना स्थान तो बना लिया, परंतु वो ये नहीं जानता है कि आज भी दरबार में केवल एक ही व्यक्ति की शक्ति है, वो है हम राज पुरोहित महापंडित तथाचार्य। कल उसका दरबार में पहला दिन है, हरिदोष सबके सामने उसका तमाशा ना बना दिया, हमारा नाम बदल देना। चंदू नाम कैसा रहेगा, मेरे ताऊ जी का नाम था। दबाओ जा तुम यहाँ से। इन डंडों का कैसे करेंगे गुरुजी, जिन पर आप लटके हुए हैं, दफा होने के लिए डंडों को छोड़ना पड़ेगा। और अगर छोड़ा तो समझो गुरु माता की प्रतिज्ञा टूटी और आपकी अर्थी उठी। चल भाई धनी, छोड़ दे इन डंडों को, चल। अरे जाने दो, रुको रुको, अरे डंडे ठीक से पकड़ो। गुरु जी थोड़ा ऊपर उठाओ मुझे। आई रे आई मिलन की पहली रात आई, आई रे आई मिलन की पहली रात आई, आई रे आई। ए बंधु, क्या बात है रामा, क्या लग रहा है? तो आखिरकार आ ही गई तेरे और शारदा के मिलन की रात। आ तो गई, और अच्छा हुआ जो तूने स्मरण दिलाया, क्योंकि एक और बात याद आ गई। क्या? ये तू क्या कर रहा है? तेरा प्रबंध कर रहा हूँ मित्र, क्योंकि मेरी और शारदा की पहली मिलन की रात में तेरा क्या काम? अरे नहीं रामा, ऐसा मत कर। मैं वचन देता हूँ, मैं कुछ नहीं देखूंगा, कुंडली मारकर चुपचाप पड़ा रहूंगा। कोई बहस नहीं, सो जा बंधु। रामा, रामा, सो जा बंधु, सो जा। आई मिलन की पहली शारदा, पहली रात आई शारदा। शारदा कहाँ गई?
उठा लो। सुनिए ना, पोटली बांध दी है, भोजन समय पर खा ले। हाँ हाँ हम जानते हैं, दरबार है, भोजन वहां पर भी मिलेगा और वो भी शाही भोजन। पर हम ये भी जानते हैं कि आप जहां कहीं भी, भोजन आपको हमारे हाथ का ही बनाया हुआ पसंद है। वैसे हम जानते हैं आपका मुंह फूला क्यों है। कल रात्रि हमें कहां होना चाहिए था और हम कहां थे, पर हम भी क्या करते, काम करते करते इतने थक गए थे कि कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। ये ना, छोड़ दीजिए ना गुस्सा, क्षमा कर दीजिए। ऐसे एक बात कहें, आप जब ऐसे मुंह फुला के खड़े रहते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। आप हमेशा ऐसे मुंह फुला के रहा कीजिए। अच्छा सुनिए, लौट कर आई फिर हम कल रात का अधूरा गीत आज रात्रि मिलकर पूरा करेंगे। आज रात्रि केवल हमारी रात, हमारी और शक्कर खा लीजिए, दिन अच्छा जाएगा, सब कुछ शुभ शुभ होगा। उठा लो। क्या उठा लो? दही शक्कर की शपथ उठा लो कि दरबार के बाद आप सीधा घर आएंगे, पारग्रह नहीं जाएंगे। खड़े खड़े हमें ऐसे क्या घूम रहे, जाइए, अब पहले दिन ही दरबार में विलंब करेंगे क्या, अब जल्दी जाइए। ऐसा अम्मा कह रही है। गुरुजी, गुरु माता बैठी है मत। देखो आज इस उद्दंड पंडित कैसे मजा चखाते हैं। गुरुजी ये क्या कर रही है, क्यों उठता तीर पकड़ रही है, आपकी गृह दशा वैसी उल्टी दिशा में चल रही है। मत छेड़ो गुरुजी, मत छेड़ो, शिष्यों की मानो तो मत छेड़ो, ऐसे जब जब आपने इसे छेड़ा है सारे दुष्ट ग्रह अपने काम धंधे छोड़ के आपके पीछे पड़ गए। लो लो आप प्रतिशोध लो, अरे गिन गिन के लो, गिनते क्यों हो ऐसे ही लो, धनी मनी तो है ना आपके साथ मरने के लिए। तुझे धन और बुद्धि दोनों का वरदान देती, समस्त वेद पुराण उपनिषद और शास्त्रों का ज्ञाता हुआ था। जीवन भर वैभव और ऐश्वर्य तेरे साथ साथ चलेंगे। ओहो, ये तो बड़ी बड़ी विकट समस्या हो गई, क्या करें, कौन सा पद दे आपको, कौन से स्थान पर बिठाएं। ये आया पंडित का आक्रमण, गुरुजी का स्थान मांग रहा है। अब संभाल मुंडे। ये स्थान ठीक लगता है, यहां बैठेंगे या? इस स्थान पर बैठने के लिए तुझे 100 जन्म लेने पड़ेंगे पंडित, संभवतः तब भी तेरे भाग्य में यहां बैठना संभव नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्थान है।
राज पुरोहित तथा चार्य का स्थान। नहीं आचार्य, ऐसा कोई कठिन परिश्रम नहीं लगता यहाँ बैठने के लिए। रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो या बैठ, प्रतीक्षा कर। तमाशा देखने का मन हुआ तो बुलाएंगे तुझे तुम्हारा दरबार में, हमारा मन बहलाने और हंसाने के लिए। तब तक यही बैठ। बस बहुत हुआ रामा, अब इससे अधिक और अपमान नहीं सहा जा रहा मुझसे तेरा। मुस्कुराता क्यों? मुस्कुरा नहीं रहा आचार्य, बल्कि उस परम परमेश्वर की असीम अनुकंपा के आगे अपना धन्यवाद अर्पण कर रहा हूं। आप ही सोचिए, कल तक जिसके पास बैठने के लिए ठीक से ठौर ठिकाना तक नहीं था, आज अपने राजा के राज दरबार के द्वार पर बैठा स्वयं को कितना गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद ये स्थान देने के लिए। अब तो इस राज दरबार में जो कोई भी आएगा उसे सर्वप्रथम मेरे ही दर्शन होंगे। आपको भी प्रभु। क्षमा करें मान्यवर, ये तो हम दरबारियों का स्थान है, आप यहाँ। स्थान कभी बड़ा छोटा नहीं होता बंधुवर, उस पर बैठने वाला छोटा या बड़ा होता है। और वैसे भी योग्यता कभी पद नहीं खोजती, पद स्वयं अपना योग्य व्यक्ति ढूंढ लेता है। राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, नरेशों के नरेश, महाबली बाहुबली महाराज श्री कृष्ण देवराय पधार रहे हैं। महाराज कृष्ण देवराय की, 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 महाराज कृष्ण देवराय। आचार्य तथाचार्य विराजमान होइए। न लेटेंगे न सोएंगे और बस खड़े ही रहेंगे। महाराज गुरु माता ने महाराज कल रात्रि भगवान शिव से हमारी भेंट हुई तो उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय शिष्य तथाचार्य, विजयनगर की प्रजा के कल्याण हेतु कुछ दिनों तक तुम्हें खड़े रहने का व्रत रखना होगा। तो हमने कहा जैसी प्रभु इच्छा। धन्य है हम कि आप हमारे आचार्य हैं। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि आज दरबार में एक नई नियुक्ति हुई है, पंडित रामकृष्णा। पंडित रामकृष्णा, आप वहां? आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज। अच्छी हाँ, वो क्या है ना महाराज, आज विदूषक महोदय का दरबार में पहला दिन है, तो हमने सोचा, मतलब हम सब ने सोचा
कि दरबार की कार्रवाई कुछ मनोरंजन के साथ की जाए, कि हमें कुछ सुनाएं, हास परिहास करें, कुछ उछल कूद करें, हमारा दिल बहलाएं, हमें हंसाएं, उसके बाद दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए तो कैसा रहे? विदुषक रामकृष्ण, इस विषय में आपका क्या कहना है? महाराज, जैसा राजगुरु और बाकी आदरणीय सभापतियों की इच्छा, यदि महाराज अनुमति दें तो आज का मनोरंजन मैं एक कविता द्वारा महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। अनुमति है पंडित रामकृष्ण, अनुमति है, आप जैसे चाहो अपना प्रदर्शन प्रस्तुत कर सकते हो। धन्यवाद महाराज, आनंद लें इस कविता का। तो प्रस्तुत है एक रोचक कहानी पंडित रामकृष्ण की जुबानी। है कहानी ये एक आलसी पंडित की, करता ना था वो कभी कोई काम, चारों पहर बस आराम आराम और आराम। फिर एक दिन एक जोगी ने उसे नींद से जगाया और उसे उसके होने का आभास भी दिलाया। बस यही सोचकर निकल गया पंडित राजा के महल की ओर, मन भरा उत्साह से हृदय में नाच रहे थे मोर। मन प्रफुल्लित था, मन में था विश्वास कि राजा उसकी प्रतिभा परख कर रख लेंगे अपने पास। पर क्या पता था पंडित को कि राजा से मिलना आसान नहीं है, ये कोई खाने का काम नहीं है। था खड़ा उसके और राजा के बीच एक धूर्त इंसान, जिसमें थी ना ही कोई इंसानियत ना रत्ती भर ईमान। पसंद नहीं आया उसे उस पंडित का चेहरा और बना दिया उसे अपने षड्यंत्र का मोहरा। उड़ गए तब बुत्ता के सभी मोर, जब बनाकर खड़ा कर दिया गया उसे राजा के सामने एक नामी चोर। पर पंडित भी कहां हार मानने वाला था, यूं पराजित होकर घर लौट जाने वाला था। चलाया उसने भी बुद्धि का चक्र, ऐसा हो गया न्याय, मिला जैसे को तैसा। आखिरकार पंडित उस दुष्ट के चंगुल से बाहर आ गया और हो गया दूध का दूध और पानी का पानी, और कुछ ऐसा किया कि याद आ गई उस दुष्ट को भी अपनी नानी। बुद्धिमान राजा को आखिरकार पंडित भा गया और यूं वो राजा के दरबार में आ गया। कहता है डंके की चोट पर वो पंडित, सुन ले दुनिया सारी, कर ले जिसे जो भी करना है, नहीं चलेगी उस दरबार में अब चापलूसी और भ्रष्टाचार की मीठी आरी। है खड़ा अब वहां वो पंडित अपने बुद्धि शस्त्र के साथ, नहीं चलेगा अब वहां कोई गोलमाल, नहीं चलेगा अब वहां कोई अंधविश्वास। करता है समाप्त रामा ये कविता इस अंतिम पंक्ति के साथ, रहे सदैव सर पर महाराज का हाथ, रहे सदैव ये रामकृष्णा अपने महाराज की छत्र छाया के आसपास। संदेह आपकी कविता अत्यंत सुंदर और कर्णप्रिय थी। बुद्धिमान तो आप है ही, साथ ही एक अद्भुत कवि भी हैं आप। आपका जीवन के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसने हमारा मन मोह लिया है पंडित रामकृष्ण। हमें खुशी है कि आप जैसा प्रतिभाशाली, आप जैसा रोचक व्यक्ति इस दरबार की शोभा है। विजयनगर राज्य के दरबार में हम विदुषक रामकृष्णा का स्वागत करते हैं। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। महारानियों की महारानी, विजयनगर राज्य के मस्तक का गौरव, राज्य का स्वाभिमान, सौंदर्य देवी, राज जानकी महाराज श्री कृष्ण देवराय की धर्मपत्नी अर्धांगिनी महारानी चिन्ना देवी पधार रही हैं।
हैं, परंतु साथ में पधार रही हैं महाराज श्री कृष्ण देवराय जी की धर्म पत्नी अर्धांगनी अतुल्यन तुलावा कुल की मर्यादा महारानी श्री तिरुमा लांबा। क्षमा कीजिए महाराज, जिज्ञासावश पूछ रहा हूं। आज महारानियां राज दरबार की शोभा बढ़ाने आई हैं, कोई विशेष कारण महाराज? रसु जी, आप तो भली बात ही जानते हैं, जहां साज श्रृंगार और परिधानों की बात होती है वहां पर उनका होना तो अनिवार्य। हम समझ गए महाराज, दरबार की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज, एक विदेशी महिला व्यापारी को आपके सामने प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। उस महिला का दावा है कि उनके पास ऐसे विशेष वस्त्र और महिला परिधान है जो आज तक ना ही कभी देखे गए, ना ही सुने और ना ही पहने। महिला व्यापारी चाहती है कि यदि महारानियों को उनके वस्त्र परिधान पसंद आए तो महाराज उन्हें खरीदकर महारानियों को भेंट करें और महारानियों की अपूर्व सौंदर्य की शोभा बढ़ाए। यदि महाराज की अनुमति हो तो हम। अवश्य अनुमति है, सम्मान उन्हें भीतर लाया जाए। महिला व्यापारी हाजिर हो। अरे इसे छोड़, अपने बुढ़ों को देख, आंखें और मुंह ऐसे खुली हुई हैं जैसे इस धरती पर पहली बार इसकी आंखें खुली हो। विजयनगर साम्राज्य के महाबली सम्राट और उनकी दोनों महारानियों को चुंगफू पाकर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। इसका साहस तो देखो, हमारे सामने फूफा करिए। इनका नाम है रानी तिरुमलम्बा, इनके यहाँ ऐसे ही नाम होते हैं। आपसे किसने पूछा, हम तो ऐसे बुदबुदा रहे थे। स्वागत है आपका। तो आप ही है वो जो ये दावा करती है कि जो वस्त्र जो साड़ियां आप हमें यहाँ दिखाने लाई हैं, वो ना तो कभी बने हैं ना किसी ने ऐसे देखे हैं। जी, इसके अतिरिक्त और भी कई विशेषताएं हैं महाराज, जैसे कि इन साड़ियों के इतिहास के परंपरा के अनुसार जिस राजा ने अपनी रानी को ये साड़ी भेजी है वो रानी अपने हर जन्म में रानी बन के ही जन्मी है और राजभोग का सुख होगा है। तो जरा शीघ्र दिखाइए ना साड़ी, हम जरा जल्दी में। जी महारानी जी, अभी दिखाती हूँ। Thank you.
जो ना पहले बनी गई है और ना दिखी गई है। साड़ी की नकाशी पर वर्षों का परिश्रम लगा है। कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, आपको? हमें तो ऐसे ही बड़बड़ाने की आदत है, आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। ए बंधु! बस ऐसे ही मुस्कान लिए खड़ा रहे रामा, कुछ मत बोलना, बोला तो फंसा। मैंने इस कपटी बड़ों के साथ तो कभी करते करते मैं अंधा तो नहीं हो गया हूँ, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? अरे मुझे कौन सा कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे भी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या इस बुड्ढे को दिखाई दे रहा होगा? अरे इससे कहाँ दिखाई दे रहा हूँ, इसकी आंखों की बत्तियां तो ऐसे सुलफी पाती रहती है समय में, इससे कहाँ दिखाई दे रहा होगा? देख देख कैसे अपनी ओझल आंखों से आंखें बना बना कर बार बार देखने का प्रयास कर रहा है। तो कैसी लगी साड़ी महारानी जी? लेकिन हमें तो आपके हाथ में कुछ भी दिखाई। हाँ, एक बात तुम्हें बताना भूल ही गई, ये साड़ी तो सिर्फ उस महिला को दिखाई देती है जो संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री है। और तो अपने पति से बेहद प्यार करती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों को ये साड़ी जरूर दिखाई दे रही होंगी। ये छोटी महारानी जी आपको साड़ी दिखाई दे रही है ना? हाँ, दिखाई दे रही है ना? दिखाई क्यों नहीं देगी, दे रही है दिखाई। वाह क्या साड़ी है, लाजवाब, अद्भुत, अति सुंदर। वाह! और आप बड़ी महारानी जी, आप भी तो महाराज से अतुल्य प्रेम करती है ना? लेकिन हमें तो आपके हाथ में कुछ भी, तो आपको तो ये साड़ी अवश्य दिखाई दे रही होंगी। क्या नक्काशी है, हमने आज तक ऐसी आकर्षक नक्काशी नहीं देखी। क्या साड़ी है, लाजवाब, हमारा तो इसमें मन आ गया है। वाह क्या अद्भुत साड़ी है, जो ना होकर भी सबको दिख रही है, ऐसी साड़ी तो हमने भी जीवन में कभी नहीं देखी। बड़ा मजा आएगा इस अद्भुत खेल में। आचार्य तथाचार्य जी, जी आपको ये साड़ी दिखाई दे रही है? आचार्य ना, हाँ 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 आचार्य, हाँ या ना, साड़ी दिख रही है या नहीं दिख रही है? हाँ दिखाई दे रही है महाराज, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है कन्या। अरे मूर्ख साड़ी, बहुत सुंदर है महाराज। क्या साड़ी है, यहाँ से बांधो, वो दिख क्या फैली, छोटे छोटे गोटे हैं, वो उड़ती चील है, ये नाचते मोर, ये उगता सूरज, ये लहलाती नदी, वाह बहुत आकर्षक है महाराज, बहुत आकर्षक, वाह 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 वाह। मंत्री वर, क्या आपको भी ये साड़ी दिखाई दे रही है? क्षमा कीजिए महाराज, ये आपका और महारानियों का निजी विषय है, हमारे दिखाई देने से या ना देने से कोई अर्थ नहीं बनता। महत्व तो महाराज की दृष्टि का है, यदि आपको ये परिधान दिखाई दे रहे हैं तो। मंत्री जी सही कह रहे हैं स्वामी, आपको साड़ी दिखाई दे रही है ना?
छोटी महारानी अगर सत्य कहे तो हमें लगता है कि बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ महाराज, लेकिन ये बताना भी बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति अपने धर्मपत्नी से सर्वाधिक प्रेम करता है उसको भी ये साड़ी दिखाई देती है। तो अब देखना ये है कि आपके दरबार में ऐसे कितने आदर्श पुरुष है जिनको ये साड़ी दिखाई दे रही होंगी। आप भी क्या पूछ रही है चिंगपो जी? देखिए हाँ फूफा जो भी है, देखिए महाराज को साड़ी दिखाई भी दे रही होगी और पसंद भी अवश्य आई होगी, क्योंकि महाराज से अधिक सच्चा ईमानदार और अपनी धर्म पत्नी से अधिक प्रेम करने वाला भला और कोई हो सकता है? क्यों महाराज, आपको साड़ी दिखाई दे रही है ना? अब तो देखनी पड़ेगी। हाँ दे रही है ना दिखाई साड़ी, स्पष्ट दिखाई दे रही है साड़ी। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसने कहा है ना तो जरूर दिखाई देगी। तो चलिए महाराज, यदि आपको इतने स्पष्ट रूप से ये सभी साड़ियां दिखाई दे रही हैं, तो अब समय नष्ट मत कीजिए, जल्दी राजकोष में किसी को भेजकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाइए। हम ये सभी साड़ियां खरीद रहे हैं बस। हमें भी। इस दरबार में कोई है जो इस विषय में कुछ कहना चाहता हो? नहीं नहीं कुछ नहीं बोलेगा तू रामा, एकदम चुप। हम एक बार फिर से पूछते हैं, क्या इस दरबार में कोई ऐसा है जो इस विषय में कुछ कहना चाहता हो? नहीं बिल्कुल नहीं, एक शब्द नहीं, एकदम चुप। महाराज सत्यानाश, ये वाचाल नहीं सुधरेगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। कहो रामकृष्ण, क्या कहना चाहते हो तुम? क्षमा कीजिए महाराज, परंतु इसमें कुछ सोचने विचारने जैसी बात तो है नहीं। यहाँ सभी को इनका ये वस्त्र परिधान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, राजगुरु तथाचार्य को तो इसकी नक्काशी, उड़ती चीले, नाचते मोर भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, और निसंदेह आपको भी दिखाई दे ही रहे होंगे महाराज, क्योंकि ये तो जगविदित है कि आप अपनी दोनों धर्म पत्नियों से कितना प्रेम करते हैं। तो मेरे विचार से महाराज, आपको इनका ये परिधान तुरंत खरीदकर आदरणीय महारानियों को भेंट कर देने चाहिए। कितना होशियार और बुद्धिमान है ये युवक, कौन है ये? सेवक को पंडित रामकृष्ण कहते हैं देवी जी, विदूषक हूँ इस दरबार में। विदूषक? अरे हाँ, वही ना जो दरबार में नाच कर गाकर बंदरों की तरह उछल कूद करके सबका दिल बहलाता है, वही ना? हाँ बिल्कुल वही। कोई बात नहीं, मैं छोटे बड़े में विश्वास नहीं रखती हूँ। ओहो हो हो महाराज, अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य, बड़े लोग, बड़ा हृदय, बड़े विचार, क्या बात है क्या बात है। मैं तो कहती हूँ महाराज, केवल महारानियाँ ही क्यों बल्कि आपके पूरे राज्य के जितने भी व्यक्ति हैं, उनको अपनी पत्नी और परिवार वालों के लिए मेरी ये साड़ियाँ और वस्त्र परिधान खरीद लेनी चाहिए। क्या कहते हैं विदूषक? अत्यंत उच्च विचार है देवी जी, ऐसा ही होना चाहिए। बेवकूफ भारतीय, कितना आसान है इनको मूर्ख बनाना। सबके सब अकल के अंधे, सबके सब बेवकूफ। नहीं देवी जी, सबके सब बेवकूफ नहीं है यहाँ। आप ऐसे ही कुछ सोच रही थी ना? मैं तो विश्वास करें देवी जी, हम भारतीय इतने भी बेवकूफ नहीं है। हाँ कभी कभी आदर सत्कार, विश्वास और संस्कार की वजह से ठगे जरूर जाते हैं,
परंतु इतना सरल नहीं है हमें मूर्ख बनाना। मैं कुछ समझी नहीं। अरे मूर्ख नहीं है इसीलिए तो आपके इतने आकर्षक, इतने मनमोहक, इतने सुंदर वस्त्रों को हाथ से जाने नहीं देंगे। हम इन्हें खरीदेंगे, अभी इसी समय खरीदेंगे। अच्छे से देखिए देवी जी, मूल्य पूरा तो है ना, कुछ घटबड़ तो नहीं रहा। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है। है तो सही देवी जी, ये देखिए खनखन की आवाज भी आ रही है। क्या बता है ये संदूक खाली है, कोई धनवान नहीं यहाँ पे। अरे रे रे रे, क्या बात कर रही है देवी जी, है तो सही इतना सारा धन, आपके वस्त्रों का पूरा मूल्य संभवतः असली मूल्य से अधिक ही होगा, पूरा संदूक तो धन से भरा हुआ है। ओह क्षमा देवी जी क्षमा, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि ये धन भी केवल उसी को दिखाई देगा जिसके मन में कोई छल कपट और बेईमानी ना हो। तो उस हिसाब से आपको तो ये धन अवश्य दिखना चाहिए, क्यों? क्या हुआ देवी जी, धन दिखाई दे रहा है ना? महाराज मेरे विचार से तो हिसाब बराबर हुआ, मैंने इनके सभी वस्त्र परिधानों और साड़ियों का मूल्य नहीं चुका दिया है, तो अब इनके सभी वस्त्र परिधान और साड़ियां हमारी हुई, हिसाब बराबर। लेकिन धन कहाँ है? तो साड़ी कहाँ है? ये तो नहीं साड़ी। तो ये तो रहा धन। देव को समझाए मुझे, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। अरे नहीं नहीं देवी जी, मैं क्या लगता है तुम्हें? इतने छत्ते में आ जाऊंगी? अरे नहीं ऐसी कोई बात जानते नहीं हो तुम मुझे, बहुत देखे तुम्हारे जैसे दो बॉडी का विदूषक। दाव? कैसा दाव देवी जी, अरे आपने अपने बनाए वस्त्र परिधान और साड़ियाँ हमें बेची, हमने उन्हें खरीद ली, ये रहा आपका सामान, ये रहा मेरा धन, हिसाब बराबर, इसमें दाव वाव कहाँ से आया महाराज? धन नहीं है तेरे हाथ में, देख रहे हैं सबके साथ। है आप सबसे पूछ सकती हैं, जिस तरह आपके हाथ की साड़ी सब देख रहे हैं उसी तरह मेरे हाथ में रखा धन भी सब देख रहे हैं। बेवकूफ है सबके साथ, अंकल के अंधे हैं सबके सब, ये सब वही देख रहे हैं जो मैं इन्हें दिखाना चाहती हूँ। वही तो मैं कर रहा हूँ, ये सब वही देख रहे हैं जो मैं इन्हें दिखाना चाहता हूँ। यानी कि तुम आता है तेरे हाथ में कुछ नहीं है? यानी कि आप भी मानती हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है? हाँ, नहीं है मेरे हाथ में कुछ भी। बेचने के आई थी आप? कुछ भी नहीं, मैं तो यहाँ सबको बेवकूफ बनाने उनका धन लेने आई थी। ले खेल खत्म, पैसा है, चल चल निकल ले मनी, अब क्या धरा रखा है यहाँ पे? ना हो भी अपने बुड्ढे के फिर से मत्ती पली। माफी महाराज, माफी, गलती हो गई मुझसे, माफी। मेहंदी लगवाने जाना है, हम भी निकलते ही हैं, हमें महाराज के लिए विशेष व्यंजन तैयार करना है। माफी महाराज, माफी, माफी, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफी। ले जाओ इसे। महाराज, माफी महाराज, महाराज, माफी, माफी।
महाराज हमें तो पहले से पता था कि ये लड़की छल कर रही है। हमारी छठी इंद्री ने हमें चेता दिया था कि अवश्य इस लड़की में कोई गड़बड़ है। आचार्य, तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? कहा था, बिल्कुल कहा था। हमने हमने अपने शिष्यों से कहा था, हमने कहा था कि लड़की कपट कर रही। कहा था कि नहीं कहा था? नहीं कहा था मंत्रीवर, हम दोनों से कहा था। महाराज हम तो तेल देख रहे थे, तेल की धार देख रहे थे, बस अवसर की तलाश में थे कि जैसे हमें मौका मिले हम इस लड़की की सच्चाई सबके सामने लेके आए। वो थोड़ा विलंब हो गया, ये विदुषक रामा ने हमसे पहले उस लड़की की सच्चाई सबके सामने रख दी, वरना इसका भांडा तो हम ही फोड़ने वाले थे महाराज। हम तो जानते थे आचार्य, आपकी आंखों में भला धूल कौन झोंक सकता है। वही तो, हम जानते हैं हमारे रहते राजकोष की तरफ कोई टेढ़ी नजर उठा के देख भी कैसे सकता है। अबे रहने दे रे टेढ़े, यहाँ सब जानते हैं तेरा कितना बड़ा आड़ू हो चुका है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही। शाबाश रामकृष्ण, आज आपने ना केवल राजकोष के धन की रक्षा की, अभी तो ये भी एक बार फिर प्रमाणित किया है कि बुद्धि कौशल में आपका कोई सानी नहीं। विदुषक रामकृष्ण, छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए। महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की। मैं ये तो नहीं जानता महाराज कि मैं इस योग्य हूं भी या नहीं, परंतु इस बात का वचन अवश्य देता हूं कि अपने प्राणों की अंतिम सांस तक आपके इस प्रेम और आपके इस विश्वास का मान रखने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुनकर अच्छा लगा विदुषक रामकृष्ण। वैसे जो भी हो महाराज, एक बात बड़ी हास्यास्पद रही, वो जो लड़की इन्हें बंदर कहकर गई तो मन ही मन हमें बड़ी हंसी सी आ रही थी। मैं मतलब हम कल्पना करने लगे थे इनकी बंदर के रूप में, उछलते कूदते गुलाटियां मारते कलाबाजियां खाते। अरे वो तो और महाराज कल्पना में ये केला भी खा रहे थे, वो भी बिना छिले हुए।
हूं मैं बंधु, मैं भी इंसान हूं। क्या कर रहा है रामा? तू उस कपटी तथाचार्य की बात का बुरा मान रहा है? आचार्य की बात का दुख नहीं है मुझे बंधु, हृदय को ठेस लगी है महाराज के परिहास से। वो भी तो आचार्य के साथ मिलकर मेरा परिहास उड़ा रहे थे ना, वो भी तो हंस रहे थे मुझ पर। रामा, महाराज की वो मंशा नहीं होगी, वो तो नहीं। अब और कुछ नहीं सुनूंगा मैं, अब मैं फिर कभी उस दरबार में नहीं जाऊंगा जहां मेरा स्थान एक बंदर के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं आज ही अपना त्याग पत्र महल भिजवा दूंगा। और अम्मा शारदा और गुंडप्पा, तेरे दरबार छोड़ देने से उनका क्या होगा? और मेरे स्वाभिमान का क्या? उसका कोई मूल्य नहीं है। मैं यहाँ विजयनगर एक तमाशे वाला बनने नहीं आया था बंधु, मेरे साथ माँ का आशीर्वाद है, बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं भी। परंतु इन लोगों ने तो मुझे एक विदूषक बनाकर दरबार में खड़ा कर दिया। पर रामा, तू ही तो कहता है कि मनुष्य का मूल स्थान से नहीं, स्थान का मूल मनुष्य से होता है। ये सारी वेदों शास्त्रों की बातें, वास्तविकता में जब हृदय पर आघात लगता है तो ये सब गौण हो जाती। नहीं, मैंने सोच लिया है, मैं उस दरबार में कदम तक नहीं रखूंगा।